कली को देखा। आइए इसी श्यामपुर से ठीक मिला हुआ एक थाना है, थाना सैतानगंज। थाना सैतानगंज के एसपी साहब जा रहे हैं जिनका नाम एसपी सूरदेव सिंह है। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। इस मुल्क की सरहद की निगेबान है आंखें, आंखें ही मिलाती हैं। जमाने में तिलक को 16 कभी शबनम कभी तूफान है आंखें। देश में सूर्य सिंह सारे जहां से अच्छा, यही सारे जहां से अच्छा, ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलिस्ता। जले हैं दीप, ऐ जले हैं दीप सदा इसकी लहक पर, ये जान दी है जिसने वतन के नाम पर। ये थे एसपी सूरदेव सिंह। आइए इसी थाना सैतानगंज का इंस्पेक्टर जा रहा है जिनका नाम इंस्पेक्टर कड़क सिंह है। नेम का कड़क है और रिश्वतखोर घूसखोर नंबर एक का जो कि संगीत में खलनायक का रोल है इंस्पेक्टर कड़क सिंह। इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ नहीं करूंगा। हर कोई रिश्वत दे तो उसे इनकार। मेरा नाम इंस्पेक्टर खन्ना है। जितनी दारू बनाना है बना सकते हो, जितना मर्डर करना है कर सकते हो, मुझे केवल रिश्वत चाहिए। दर्शक प्रेमियों, कड़क सिंह को देखा। आइए यहां से कुछ दूर पर बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में एक महात्मा जी रहते हैं। महात्मा जी आप लोगों के सामने आते हैं और क्या सुनाते हैं। हरिओम हरिओम राधे श्याम सीतारा, राम नाम का माला है, राम नाम का माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम का माला। प्रिय दर्शकों आइए चंबल घाटी की तरफ। ये चंबल घाटी है, चंबल का खूंखार डाकू जिसका नाम धाकड़ सिंह है। संगीत में बताया गया मजबूर कुंवारी माम रामकली बनी बिजली डाकू धाकड़ सिंह। भीघड़ में घोड़े पर सवार अपने घोड़े से किस तरीके से सेवा जी कर रहा है।
तो करूंगा जुल्म की बरसात, मैं करूंगा जुल्म की बरसात, हिला दू पाप की आंधी, जलाना तो बाद याद रखना, याद रखना, चढ़ा कर चैलाल को अगर कोई सचो नजर उठा के हमारी तरफ को देखा कर सीधा साथ रखा ये नान को अमीरों का दुश्मन गरीबों का मसीहा डाकू उठा कर से याद रखना हमारे ऐलान को मत भूलना धाकर सिंह का साथी जा रहा है उसका दाहिना हाथ जिनका नाम डाकू मंगल सिंह है मंगल सिंह सोरा है मेरे नाम का सोरा है मेरे नाम का सारे जहान में छक्के छूटते हैं डाको मंगल आप लोगों ने डाको मंगल सिंह को देखा इनका तीसरा साथी जा रहा है जिसका नाम डाको शेर सिंह है पाऊंगा कातिल को तसल्ली नहीं दिल में बदला लूंगा कातिल से भाग जाओ कहीं हो आ सकता है ज्वाला सिंह भाग जाऊंगा कातिल बेटा आ सकता है ज्वाला सिंह नहीं तो जान से खत्म कर देगा शेर सिंह को आप लोगों ने देखा है इसकी थोड़ी मेमोरी डिलीट है आइए दोस्तों बाकी कहानी संगीत के मध्य में दिखाई जाएगी पहली एंट्री पहला देखिए एसपी साहब इंस्पेक्टर तरक सिंह को बुलाते हैं और क्या बातचीत करते हैं तमाशे पर ध्यान वो दिखाएंगे जो रफ्तार जमाना है हकीकत की हकीकत है फसाने का फसाना
है शैतान गंज। चार पासे हमको जानते नहीं, चार पासे ना चपरासिया। हाँ वही चपरासी। मैं मारता नहीं हूँ, गाली नहीं देता हूँ, बल्कि डाल के डंडा खड़बड़ा देता हूँ। इसीलिए मेरा नाम है बीके लेले पांडे उर्फ हवलदार। देखिए आज बड़े साहब आने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात तो एक बात और है, वो जो इंस्पेक्टर वो साला काना है, एक आंखी का काना, उससे बच के रहना। क्योंकि जिस आंखी से वो काना है, अगर उस तरफ में पड़ जाओगे तो खुद ही गिर जाओगे, वो साला खुद ही गिरा देगा। इसी वजह से हम हमेशा कानी आंख से बचे रहते हैं। चलो लगाओ कुर्सी। हवलदार जी साहब कहाँ है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर क्या है साहब? जो कहते हैं। यस सर। यस सर। तुम बता रहे हो 10 किलोमीटर? जी साहब जबान है निकल गई। हवलदार हवा जी साहब ला पहले फाइल ला। फाइल क्यों नहीं देता रे साहब? दे रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं। आपको हम फाइल दे रहे हैं। जब मैंने तुझसे बता दिया कि बाईं आंख से मुझे दिखाई कम पड़ता है, तो साहब हम बाईं तरफ से दे रहे थे, आप देख नहीं रहे थे। अच्छा जी साहब। सारे कांखे के एकदम से कंचुदन आए हो, हम तो कहीं का सारे कहीं कुछ दिखात हुए, लेकिन एकदम ही का नहीं दिखात भाई। हवलदार हाँ साहेब, ये डाकू धाकर सिंह कहाँ रहता है? ये डाकू धाकर सिंह अंडे पर रहता है। अंडे पर? हाँ वहाँ वहाँ जाओ एसपी साहब को फूल। जा रहे हो भैया? मोबाइल ले आ। रुको यार, नंबर आवा तो आवे दियो। जतने नंबर आवत यह कंचोदना के नंबर आए रहे, और नंबर ही मजान पाते ही नहीं। हाय हो हाय। 99 36 तमाम 032 104 फाट डारिस मौका पाइस तो मत डारिस। कब्रिस्तान से बाहर दूसरा नंबर लगा। नंबर लगावे जा रहे हैं साहब। बैठो सार कंटो दना मारी मोए मां छकुल गवा भाई का सारे काना का कीरा बिछी नोच लिए बीच खोपड़ा काट लिए के ना सोई जाए तोंदी पे मारी। 809543 हेलो 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 कौन कर रहा है? हेलो 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 कौन कर रहा है?
हम बोल रहे हैं हम, तुम बोल रहे हो तुम। हम सूर्यदेव एसपी बोल रहे हैं। कहाँ से बोला? हम थाने से बीके लेले पांडे उर्फ हवलदार। क्या बात है हवलदार पांडे साहब जी? क्या बात है? आपको छोटे साहब याद कर रहे हैं। ओ इंस्पेक्टर खन्ना। हाँ हाँ वही खन्ना। खन्ना के कड़क सिंह? नहीं वही 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 कड़क सिंह। अच्छा अच्छा बोलो मैं क्या आ रहा हूँ। जल्दी आओ साहब। मगर साहब आयो तो क्या बात हो रही? मतलब पाए कहती से ना आयो तहने कहती से आयो। फोन को रखता हूँ साहब। इंस्पेक्टर कड़क सिंह पांडे जी, जी साहब फोन पे कैसे बातें किया जाता है? साहब क्या करें, छोटे साहब बहुत जल्दी में थे, बहुत तत्काल कह रहे थे। अब इनके बात सुने कि आपके बात सुने कि फोन की बात सुने? अच्छा जी साहब। ये डाकू धाकर सिंह और पंकज सिंह ने कोलाहल मचा दिया है, आपका क्या हुक्म है? इंस्पेक्टर कड़क सिंह, इन फाइलों में तो डाकू धाकर सिंह मैं जानना चाहता हूँ कि डाकू धाकर आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? धाकर से गिरफ्तार इसलिए नहीं हुआ कि इसलिए इनकी पाई आंख कंचदनी है। सुबह धाकर सिंह मशहूर है, इसे जिला दरबार खंडवे में कहाँ नहीं उसका पता। इंस्पेक्टर खन्ना, तुम लोग अगर हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे तो इन डाकुओं का आतंक दिन ब प्रतिदिन दूना बढ़ता जाएगा। इसीलिए मेरी बात कान खोल करके सुनो कि अगर जो रैयत पे डाकुओं का इतना चोरों जुलम छांग मारो। मैं देखता हूँ क्यों डाकू झारखंड सिंह सारा
डरे हो दलवा? माँ डरे हो? जब तुझसे मैंने बता दिया कि सारे बाई तरफ मत खड़े हो, मुझे आँख से दिखाई नहीं देता। अरे साहेब, हम बाई तरफ से तहली तरफ जात रहे जब तक तुम लील गाय के इतना पेल बहाए हो। बाई तरफ खड़े रहते हो? चलो साहेब, साहेब हमका छुट्टी दे दे तू। हवल दरवा, हम बहुत मादर छुदा आदमी। साहेब बोलो। साहेब बोल। वैसे तो एक आंखी के तो तुम आइए हो और वैसे मादर छुदो तू। साहेब अड्डे को घेर ले। मैं देखता हूँ कि झाकर सुख घास में भाग। क्यों? हमारे ससुरारी में चार चार मट्टी हो गई है। चार चार मट्टी? हाँ साहेब। अरे आदमी खत्म हो गए? हाँ साहेब, चार चार मट्टी भाई है। ससुरारी जा भाई मट्टी दे के जल्दी लौटियो। कौन कौन मरा साहेब? पहला नंबर तो हमारे बप्पा के समधिन मर गई। अच्छा। दूसरा नंबर हमारे मेहरुवन के अम्मा मर गई। अच्छा। तीसरा नंबर हमारे लड़कन के नानी मर गई। अच्छा। चौथा नंबर हमारे सास मर गई। अरे हवल दरवा, सारे ये बता, एक ही आदि खत्म हुआ? वही समधिन, वही नानी, वही सास। अरे बप्पा का समधिन वो हमारा सास है भाई। हाँ। और मेहरुवन के अम्मा वो हमारा सास है भाई। वही सास भाई। लड़कन के नानी वो सास है भाई। हाँ। और हमारा सास यक्के जानो मरी का हो। इसलिए चल। डाकू ढाका सुन के टेक को घेर ले। सोचा रहा है सारे काना का मुंह देख लेना है। अब हुआ जाए पता नहीं मार डारे जाए के का हुए। मेहरुओ राणी हो जाए, जतनी लाल लाल चुरिया सब फूट के अलगे चली जाए। अयसार कंचोदना या यही इतना जैसे हिया पाए सेड पाइस ली लगा के इतना पेल भाई। वैसे सार कहा हुए मुग भेड़ में डाकू हमका घेर लिए सार या हम हैं का चल। इससे बहुत डराई है लेकिन कोई बात नहीं है, चलना है। साथे साथे लाग रहा इनका सरो का आगे करे रहा पीछे हम रहा। मरो सरो तो ये मर रहे बाद में हम मरी। और चूम चूम हो चूम चूम चना ना ना बाजे मैया ताओ पे चनिया। चूम चूम चना ना ना बाजे मैया ताओ पे। आओ चलो ये बताओ, कोई ताजी तो खबर नहीं है? सरदार जी अभी तक तो कोई ताजी खबर नहीं है, मगर मैंने सुना है कि सत्तर आया है। जो कि वो ये कौन काना है उसने चिथा कर सुनता गिरफ्तार करने के लिए बस खबरदार। हाथ
चुके हैं। ओ मैं हसन खड़क सिंह गया साला खड़क सिंह इंस्पेक्टर खड़क सिंह आज तले ठाकुर सिंह हमारे हाथों से बचकर के निकल गया, लेकिन इसकी तलाश जारी रखो क्योंकि दिन ब दिन अत्याचार बढ़ाता जा रहा है। आज हमें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। आज मैंने सोचा था कि ठाकुर सिंह को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करेंगे, लेकिन मेरे हाथों से बच करके निकल गया है। निकल गया साला। चलो वापस चलते हैं। चलिए साहब आइए। ठाकुर ठाकुर सिंह तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो नहीं जानते हो क्या होगा। क्या होगा? हम तुम्हारे हवाले खुद। अरे बोल दो आगे बढ़ अरे बढ़ आगे बढ़। क्या बता रहा है? आप पे आपको मेरे हवाले कर दो, नहीं तुम्हारे हवाले खुद ही हो जाए। ये साले डाकू भाग रहे थे तो हमने सोचा कि इनको चुनौती दे। चुनौती चल चलो साहब, ये डाकू लोग आज नहीं मिलेंगे तो कल जरूर मिलेंगे। चलिए साहब।